करूं काका? मोबाइल गिफ्ट है मेरी, इसको है ना पैक करना चाहिए था। वो आपके लिए फोन है। ये फोन है मेरे लिए। अच्छा, मैंने थोड़ा लेट फोन किया। मुझे अब भी याद आया, मैंने सुबह से अपनी उंगली पर रिबन बांध के रखी है। क्यों अभी आपके हाथ पे भी बाल उगते हैं? चोटी बांधने के लिए नहीं बांधी है, आपको बर्थडे विश करना भूल ना जाऊं इसीलिए बांधी है, पर बाद में भूल गई कि क्यों बांधी है। अब जाके याद आया। सॉरी, सबसे लास्ट विश कर रही हूँ। सबसे लास्ट में नहीं, अब सबसे पहली है। आज ना बाकी सब लोग मुझको हैप्पी बर्थडे बोलना भूल गए, सिर्फ आपने ही बोला। सब लोग आपको भुलक्कड़ बोलते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया। कोई भी नहीं बोला मुझको हैप्पी बर्थडे, कोई गिफ्ट भी नहीं लाया। ये तो रॉन्ग है ना? हाँ, बहुत रॉन्ग है ये। मैं लीला भाभी के लिए आलू लेने जाता हूँ, सुबोध भाई के लिए गिफ्ट पेपर लेने जाता हूँ, वो बेबी दूध नहीं पीती तो वो दूध पीने के लिए भी मैं राजी हो जाता हूँ, वो प्रवीण भाई को कुएं में से शर्ट निकलने के लिए भी ना नहीं बोलता मैं। उन लोगों को भी याद रखना चाहिए ना मेरा हैप्पी बर्थडे। अभी क्या करूं मैं? आप एक काम कीजिए, आप है ना सबको माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गट्टू भाई अक्सर ऐसा होता है, हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना उसी को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अच्छा, मतलब? मतलब जैसे कि चारू बाड़ा बेन, सब जितना आपको प्यार करते हैं ना उतना प्यार उनसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सबको बहुत परेशान करती रहती हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाती हैं, कुड़ कुड़ करती रहती हैं। इसीलिए सब उनका बर्थडे बराबर याद रखते हैं, क्योंकि अगर उनका बर्थडे भूल गए ना तो वो बहुत सुनाएंगी, सबके नाक में दम कर देंगी। हाँ। जबकि आप कभी किसी को परेशान नहीं करते, सबको हंसाते रहते हैं, सबका काम करते रहते हैं, इसीलिए तो सब आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता कि अरे अगर गट्टू का बर्थडे भूल गए ना तो वो हंगामा कर देगा। जिसकी चिंता नहीं करनी पड़ती ना गट्टू भाई, अक्सर उसे लोग भूल जाया करते हैं। चलिए अब सबके साथ जाकर अपना बर्थडे मनाइए, और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। हमेशा खुश रहिए और खुश रखिए। वेलकम।